हे हेलो फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और आपकी वीडियो शायद संडे को मिल जाएगी। और आज मैं बताऊं, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है वर्कआउट करने का, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। और इसी का रिजल्ट यह है कि दिन हो चुका है और अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट आधा एक घंटा लेट हो चुका हूँ। मन नहीं था बिल्कुल आने का, बट मैं आ गया हूँ। पीपल ऑलवेज थिंक कि अगर आपको आपका गोल अचीव करना है तो हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो कुछ दिन बहुत ज़्यादा हाई फील करता है और कुछ दिन बहुत ज़्यादा लो फील करता है। तो मोटिवेशन हमेशा तो नहीं रहता है, बट आपको अगर अपना गोल अचीव करना है तो चाहे आप लो फील करें या चाहे आप हाई फील करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहें। और मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं आज वर्कआउट नहीं करूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट ये ना धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ही क्या होता है ब्रेन के अंदर, आदत बन जाती है। और एक दिन के बाद फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और ऐसे करते हुए आदत हो जाती है। तो मन तो नहीं था, बट मैंने सोचा कि घर से बैठे रहने से बढ़िया है कि क्यों ना उठ के एक आध वर्कआउट ही कर लें, एक आध एक्सरसाइज ही कर लें मन लगा के। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस दिन मेरा मन नहीं होता और उस दिन अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो दे आर द बेस्ट वर्कआउट आई हैव एवर हैड। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस दिन जिस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो आज हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं जिम में। Hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up. Coming from the nation, made a foundation. True stuff. Yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams. Everything is ahead of us. Stay true to your path. It's not where you start. It's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple the flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed. They all gonna snap. The motivated attract. The escalated attack. The frustrated hit back. Yeah, we move fast. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I want. You gotta take some action towards practicing. I know it's not easy, but you gotta get out there. Make your own meaning, can't afford to have doubts. They'll interrupt dreaming, I just wanna look out there. The crowd all screaming. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to be where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. के बाद अब टाइम है मेरे ब्रेकफास्ट का। और ब्रेकफास्ट में आज मैं सोच रहा था स्मूथी बनाने का, बट देन मैंने आज फ्रूट्स बना लिए। और फ्रूट्स में सारी चीज़ें सिंपल ही हैं, पहले बता के रखी हुई है, तो कुछ नया तो है नहीं है। वही फ्रूट्स हैं और इसमें वे है और क्रिएटिन है 5 ग्राम। यूजली मैं क्रिएटिन को वर्कआउट के बाद लेना प्रेफर करता हूँ, बट बहुत सारे लोग इसे पहले लेते हैं वर्कआउट से। तो इट डजेंट मैटर आप पहले लें या बाद में लें, क्योंकि ओवरऑल जो क्रिएटिन है वो आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। वो कभी भी जाए, जिम से पहले जाए या जिम के बाद जाए। मैंने ये देखा है कि जब क्रिएटिन को कार्ब्स और प्रोटीन के साथ लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर जब हम बिना कार्ब्स और प्रोटीन के लेते हैं। अभी 2 दिन पहले का एक इंसिडेंट मुझे याद आया फ्रूट्स को खाते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। 2 दिन पहले हम सभी दोस्तों की एक गेट टुगेदर थी, वहाँ पे हमने इंडियन कुजीन खाया था, मतलब दाल चावल, पनीर की सब्जी और नान
और वो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है हमारे विदिशा में, हार्ट बीट वहां पर। तो वहां पे मेरे एक दोस्त ने मुझे पॉइंट आउट किया, ही सेड कि भाई तू अपनी वीडियोस में बताता है कि तू बहुत हेल्दी खाता है, पूरा हेल्दी रहता है, देन तू ये चीजें क्यों खा रही, तो खराब है ना तेरे लिए। तो मैंने उसे समझाया और ये चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक टर्म होता है फ्लेक्सिबल डाइट करके, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, एक स्टिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप महीने में एक या दो दिन अपनी बॉडी को रिवॉर्ड दे सकते हैं। मतलब आपका जो मन है आप वो चीज खा सकते हैं बिना किसी डर के। लोगों को लगता है कि अगर वो चीज वो खा लेंगे तो कि सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उन्हें फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी को भी रिवॉर्ड की जरूरत है, और आप ऐसी कोई डाइट फॉलो ना करें जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है खुद को भी, और आपको आप खा नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो बस कहने का मतलब यही है कि एक फ्लेक्सिबल डाइट चुनिए और महीने में एक या दो बार अपने मन की चीज, चाहे वो बाहर की हो चाहे कुछ भी हो, आप खा सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपने वो खा लिया तो आपको दो चार दिन ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, वो एक मील से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, आप नॉर्मली वापस अपनी सारी चीजों, एक्सरसाइज और डाइट पे आ जाएंगे और उससे कुछ भी नहीं होगा। इससे होगा ये कि आप अपनी बॉडी को रिवॉर्ड भी दे पाएंगे, आपका जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से फंक्शन भी करेगा और उसे बोरिंग नहीं लगेगा ये डाइट फॉलो करने में। तो मैंने जो इंडियन क्यूजीन खाया उस दिन इसलिए खाया। और एक और चीज जो फ्लेक्सिबल डाइट होती है उसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी डाइट के साथ थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आज शाम को कोई फंक्शन में जाना है और आपको पता है कि वहां पे आप बाहर का खाना खाएंगे, तो उसके लिए आप अपनी दिन भर की जो आपकी जो डाइट है उसमें कैलरीज थोड़ी सी कम कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि जब आप शाम को खाएंगे तो जो कैलरीज ज्यादा होंगी तो ओवरऑल जो आपकी कैलरीज है, फॉर एग्जांपल 3000 कैलरीज पूरे दिन की आप ले रहे हैं और आपको पता है कि आप शाम को 1500 कैलरीज खाने वाले हैं, तो आप अपनी जो बाकी की कैलरीज हैं वो सुबह ले लीजिए और देन उसके बाद आप जो रात को खाना खाएंगे उससे वो बैलेंस हो जाएगी। तो आप आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको कुछ चीज बाहर की खाना है आपको पता है, तो आप अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसमें थोड़ा सा कैलरीज रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी कैलरीज निकाल लीजिए, जिससे होगा कि जब शाम को आप ज्यादा कैलरीज खाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सिंपल। तो अब मैं प्रोट्स खाऊंगा और वे पीऊंगा। आई गेस थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया, बट मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल डाइट होती है वो कैसे होती है और आप कैसे उसे अच्छे तरीके से उसे भी यूज कर सकते हैं, अपना जो फूड आपको पसंद है वो भी खा सकते हैं और साथ साथ अपने जो गोल्स हैं उसे भी अचीव कर सकते हैं। आई गेस बहुत ज्यादा स्वाइट हो रहा है, अब मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक, शेयर विथ अ फ्रेंड और स्टे फिट।